अनुकूल हो गया। उस समय तो प्रतिकूल थे लेकिन इस समय इनके अनुकूल हो गए हैं, इसलिए इस समय तो देवताओं का ही विजय है, हम तो निश्चित पराजित होंगे। एतान् वयं विजयिष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षद्भं नो नोर्थात्वाय कल्पते। यदि दैवं प्रसीदति, यदि देव प्रसन्न अनुकूल होगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। जिस दिन अनुकूल दैव हो जाएगा उस दिन हम लोग जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो। जब तक दैव अनुकूल नहीं हो रहा है तब तक तुम लोग भी चुपचाप हो जाओ, छिप जाओ, जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। अपने प्रयोजक सिद्ध करने वाले समय का इंतजार करो, एक दिन समय आएगा, तुम क्यों घबरा रहे हो। इतना जब बलि महाराज कहे तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अपने स्वामी बलि के बात को सुन करके भगवान के पार्षदों से पीछे हटने लगे बलि महाराज के जो सेवक थे, दैत्य और दानव सेनापति अब क्या करते हैं कि रसाम देवी दिशो, वे रसातल में चले गए। जब बलि महाराज कह दिए तो वे लोग क्या किए कि हम नीचे की ओर जो रसातल है वहां के लिए प्रस्थान किए। उनके जाने के बाद भगवान की हृदय की बात जान करके जब वे लोग चले गए तो भगवान की हृदय की बात को जानने वाले कौन है, गरुड़ जी। देखिए वहां गरुड़ जी खड़े हैं, उस दृश्य को देखिए। वामन भगवान बलि के ऊपर अपना चरण रखे हैं और बगल में कौन खड़े हैं, गरुड़ जी। तो गरुड़ जी भगवान के परम भक्त हैं और वाहन भी हैं। तो अथ तार्क्षसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकित्सितम्, अपने भगवान के बात को जान करके अपने प्रभु, प्रभु मतलब भगवान होता है यहाँ, समर्थवान के अर्थ में होता है प्रभु, प्रभु मतलब अपने भगवान के विषय, भगवान के हृदय के बात को जान गए कि भगवान क्या चाह रहे हैं। तो गरुड़ जी क्या किए कि वरुण के पास के द्वारा बलि को बांध दिए, क्योंकि बलि महाराज भगवान को तीन पैर भूमि नहीं दे पाए थे। सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, मैं पूछूंगा, बहुत मेहनत करके बोला जा रहा है यहाँ पर, एक एक शब्द बोलने में बहुत मेहनत पड़ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बार बार एक शब्द को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ क्या किए कि भगवान अब गरुड़ के तरफ देखे, गरुड़ से कुछ कह नहीं रहे हैं, गरुड़ जी समझ गए कि भगवान क्या चाह रहे हैं। तो तुरंत वरुण पास से बलिम बबंध कृतौ सौते अहनी, बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था, सोमपान होने वाला था, उसी समय गरुड़ ने बांध दिया। भगवान के नित्य संगी गरुड़ उनके आंतरिक इच्छा को जानने वाले थे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके आंतरिक इच्छा को जानने वाले हैं गरुड़ जी की, भगवान क्या चाह रहे हैं। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति के असंदिग्ध रूप को संपूर्ण विश्व को दिखाना चाहते हैं भगवान, कि इस स्थिति में भी बलि घबरा नहीं रहा है, इसको दिखाना चाह रहे हैं हमारे प्रभु, हमारे श्री हरि। अपने भक्त बलि को दिखाने के लिए क्या किए
कि वरुण जी ने उनको बंदी बना लिया। भगवान के इच्छा अनुसार वरुण जी बलि महाराज को बांध दिए, फिर भी बलि महाराज घबराए नहीं, मुस्कुरा रहे। बलि महाराज थोड़ा भी अपने आपा को नहीं खोए। हाहाकारो महानासिर रुदस्यो सर्वतो दिशम गृह्य मारो सुरपतो विशुना प्रभ विशुना। जब बलि महाराज को बांध दिया गया, उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने दैत्य बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी आकाश और समस्त दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, बलि बांधने के लायक नहीं है, नहीं है। एक असुर कुल में जन्म लेने वाले बलि महाराज के तरफ से सभी लोग हाहाकार करने लगे। जितने दिशा है, आकाश है, पृथ्वी, सभी जगह हाहाकार मच गया। तम बद्धम वारुण उपासहि भगवान भगवान आह वामनः नष्ट श्रिय स्थिर प्रज्ञम उदार यश समुद्रिप। हे राजन, यद्यपि बलि वरुण के पासों में बंधे हुए थे, नष्ट श्रियम स्थिर प्रज्ञ, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी। भगवान के पास में बंध चुके हैं वरुण के पास में, और इसके बाद में उनकी जो धन है वो भी सब समाप्त हो चुका है, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी। अपने बुद्धि से भ्रमित नहीं हुए, घबराए नहीं, सब लोग उनके उदार यश का गान करने लगे। जय हो, जय हो, जय हो बलि। वामन भगवान आह, उस समय वामन भगवान ने बलि से कहना प्रारंभ कर दिया। और भगवान यहाँ बोलने लगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, इससे पहले प्रभुपाद जी के मत को सुन लीजिए कि बलि महाराज अपना सर्वस्व छीन जाने पर भी, सब कुछ समाप्त हो गया है, छीन जाने पर भी भगवान वामन देव को संतुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल रहे, थोड़ा भी घबराए नहीं, अटल रहे। भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, स्थित प्रज्ञ कहा गया है ऐसे भक्त को। भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता है, किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता है, चाहे कितने ही कष्ट तथा व्यवधान क्यों ना आए। प्राण संपत्ति ऐश्वर्य वाले लोग विख्यात होते हैं, किंतु बलि अपना सब कुछ होकर के विख्यात हो गए। यह भगवान द्वारा भक्तों पर विशेष कृपा है। देखिए, भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त उस अवस्था में भी घबराते नहीं है, भजन करते हैं। इस पर एक कथा हमको याद आ जाती है, ये भक्तमाल की कथा है कि एक भक्त थे, उनका एक ही लड़का था, पति पत्नी दोनों भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहे तो उसके लड़के को मार दिए। सुबह की घटना है। अब हाय 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 हो रहा था, मरने के बाद तो सब रोते ही हैं, कितना हूं कोई हो लेकिन रोता तो जरूर है, तो रो रहे थे। उसी समय वो साधु के वेश में आ गए और दरवाजा आ करके खुलवाते हैं, तो जब देखे कि कोई महात्मा आए हैं तो वे लोग तुरंत अपने बच्चे को भीतर छिपा दिए। महात्मा जी देख नहीं पाए और कहे कि भिक्षाम देही, तो भिक्षा दीजिए। तो भिक्षा के लिए चावल लाते हैं, तो कहे चावल नहीं, आप लोग प्रसाद बनाओ, मैं यही खाऊंगा। वो लोग क्या कहे, सोचे कि साधु आए हैं, ऐसे लौटेंगे ठीक नहीं है। तो वो लोग प्रसाद तैयार किए। प्रसाद तैयार करने के बाद में वो महात्मा कहे कि आप लोग भी मेरे साथ बैठ करके खाओ। कहे कि ठीक है, सब बैठ गए। वो लोग ऐसा शो कर रहे थे कि इनको पता न चले कि मेरे घर में कोई मरा है। देखिए, सीखना चाहिए। बहुत प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में ऐसे घटना हुआ तो क्या करना चाहिए, तो ये सबसे सीख लीजिए कि क्या करना चाहिए, ये सब सीखने के लिए ही बताया जा रहा है। तो जिस दिन घटना हुआ उसी दिन महात्मा आए, फिर भी वो प्रसाद बनाए और खाने के लिए बैठे। अरे, मैं तो सुना हूँ कि तुम्हारा एक बालक भी है, तो उस बालक को बुला कर लाओ, उसके साथ मैं खाऊंगा। तो वो लोग कहते, अरे महाराज, इसी बात को तो हम लोग छिपाना चाह रहे थे,
और हमारा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया, यहाँ नहीं है, कहाँ है? तो उस घर में हम लोग उसको छिपाए हैं। आप आ गए तो सोचे कि साधु सेवा पहले कर लेते हैं। साधु सेवा धर्म हमारा, सबसे बड़ा धर्म है साधु की सेवा। तो इसलिए हम सोचे कि संत की सेवा कर ले। तो महात्मा जी गए, कहाँ है तुम्हारा बेटा, चलो चलो चलो। तो गए और जा करके उसको सोया हुआ था जो उसके ऊपर चादर ओढ़ाए थे, उसको हटाए के बेटा उठो। इतना कहते हो तो कोई साधु थे नहीं, वो तो भगवान ही थे। वो बच्चा तुरंत उठ गया और भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। कहे कि बेटा मैं तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आया था कि तुम कितना हमारे प्रति विश्वास कर रहे हो, इस अवस्था में भी भजन कर रहे हो कि नहीं। कहने का अर्थ है कि साधुओं के पास कितना बड़ा संकट आ जाए फिर भी अपने भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। ये नहीं कि घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया या धन समाप्त हो रहा तो घबराना चाहिए नहीं, कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं। इसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि बलि महाराज के सब कुछ लेने के बाद में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह स्थित प्रज्ञा है, अपने स्वरूप में है, उससे विचलित नहीं हुए, भजन को नहीं छोड़े, भगवान को देने वाला हट नहीं छोड़े। यहाँ तक कि बलि महाराज से भगवान कहने के लिए झूठा, तू कहा था कि तीन पग भूमि क्या मांग रहे हो, माँ बचो भी समाराध्य लोकानाम एक विश्वरम, मुझको तुम प्रसन्न कर लिए हो, तीन पग भूमि मांग रहे हो, लोक के लोक मैं दे सकता हूँ, आज तुम्हारा लोक कहाँ चला गया? तो बलि महाराज कहते हैं कि भगवान आप डांटिए मत, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। देखिए उस स्थिति में भी बोल रहे हैं, अरे आप आए थे मांगने के लिए कितना मालूम है, तीन पग भूमि मांगने के लिए आए थे ना, आप दूना ले लीजिए, क्यों डांट रहे हैं, कहां से दूना दोगे? तो बलि महाराज कहे दूना अब नहीं जानते हैं, धन से धनवान का कीमत दूना होता है, आपके चरण से हमारा जितना संपत्ति था दो पैर के बराबर हुआ कि नहीं? तो बामन भगवान कहे कि हाँ हुआ, तभी चार पैर के बराबर मैं खा रहा हूँ, मेरे सिर के ऊपर अपना पैर रख ली गई। बलि महाराज के सिर के ऊपर रख रहे हैं पैर। भगवान कहे कि आए थे आप तीन पग भूमि लेने के लिए ना, मैं आपको छह पैर भूमि दे रहा हूँ, लीजिए। और भगवान को दिए, अपने सिर को दे दिए, ले लीजिए। उस स्थिति में भी घबराए नहीं कि प्रभु गलती हो गया माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझको, ऐसे नहीं कहे कि मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं त्वया सुरः द्वाभ्यां क्रान्तामहि सर्वतृतीयम् उपकल्पय। असुर तुमने मुझे तीन पद भूमि दिया था, दो पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी को माप ली, अब हमारे तीसरे पग की व्यवस्था करो। तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, जहां तक इस सूर्य की किरणों की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्र चंद्रमा की किरणें पहुंचती है और जहां तक बादल बरसते हैं वहां तक सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन में थी और मैं सबको ले लिया, अब कहां दोगे? तुम्हारे देखते देखते मैंने अपने एक पैसे इस पृथ्वी लोक को और दूसरे पैसे स्वर्ग आदि को नाप लिया, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। बलि भगवान कह रहे हैं तुमको कहाँ रहना पड़ेगा, नरक में। और तुम्हारे गुरु की भी इस विषय में यही सम्मति है, तुम्हारे गुरु भी कहे थे कि नरक में जाओ, तुम्हारे गुरु जो कहते उसी काम को मैं कह रहा हूँ, अलग नहीं कह रहा हूँ, इसलिए अब तुम नरक में प्रवेश करो। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है, जो भगवान के सेवा में रहता है घबराता नहीं है, वो वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है। अब देखिए इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बहुत सुंदर टीका लिखे, इसको पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दिएगा। करे कि तब हमारा कर्तव्य क्या है, तो उत्तर दे रहे कि नरक में वास करो, यही कर्तव्य है तुम्हारा, तुम नरक में वास करो, उनकी धैर्य और अहेतु की भक्ति निष्ठा को जगत में प्रकट करने के लिए कहते हैं कि प्रतिश्रुतम इति, कही हुई वस्तु नहीं देने के कारण नरक जाना पड़ता है। तुम कहे थे कि मैं दूंगा और तुम नहीं दे पाए, इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरुणानुमोदित, मेरी बात असंगत लगे त
तो अपने विद्वान गुरु से पूछ लो, तुम्हारे गुरु महाराज भी कहे थे कि नहीं, पूछ लो। यह भाव है, किंतु यह वास्तविक अर्थ नहीं है। अब वास्तविक अर्थ सुनिए, क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, कह रहे कि वास्तविक अर्थ यह है कि भक्त्या मास से नरक वास असंभव है। भक्त को कभी नरक में वास नहीं मिलता है। तुमने मेरी इतनी भक्ति की है बलि, भगवान कहे कि अरे बलि तुमने मेरी इतनी भक्ति किए है, अतः तुम्हें निरय मैं निरय दूंगा। और संस्कृत में एक सूत्र आता है रलयो भेदा, रलयो भेदा माने निरय को निलय कह रहे हैं, निलय माने वैकुंठ होता है। निलय का अर्थ क्या हुआ, वैकुंठ, मैं तुमको निलय ददामी, मैं निलय देने जा रहा हूँ, उस बास को देने जा रहा हूँ। निलय माने मैं शीतल लोक को देने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, जहाँ सर्वत्र मैं दिखाई दूंगा, तुमको नरक नहीं भेजूंगा, तुम शीतल लोक में जाओ। और जानते हो गुरुनाम च अनुमोदित, तुम्हारे गुरु महाराज ने भी अनुमोदन किया था, इसलिए तुम्हारे प्रेम अधिक्य के कारण, स्नेहाधिक्य के कारण तुम्हारे गुरु जी भी शीतल लोक में जाएंगे। तो माना किए थे, लेकिन तुम्हारे प्रति उनका इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इसलिए तुम्हारे गुरुदेव को भी तुम्हारे कृपा से, उनके कृपा से नहीं, तुम्हारे कृपा से तुम्हारे गुरु को भी वह सूतल लोक मिलने जा रहा है। गुरु कभी कभी शिष्य के कृपा से भी गुरु को ऊंचा पद मिल जाता है, और कभी कभी ऐसे तो गुरु के ही कृपा से सब कुछ मिलता है। ध्यान देना चाहिए शब्द बोलते समय है। तो यहाँ करे कि गुरुनाम च अनुमोदित, तुम्हारे प्रति स्नेहाधिक्य के कारण तुम्हारे गुरु भी सूतल लोक जा सकते हैं, यह इसका मुख्य अर्थ है। अब इसके बाद में जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं, स्वर्ग की बात तो दूर है, उसके नरक में गिरना पड़ता है। तो उस प्रसिद्ध भक्त आपका इंद्र पद पर मैं बना रहूंगा, यह मनोरथ व्यर्थ है, क्योंकि आपको वैकुंठ के अधिकारी हैं, जहां से स्वर्ग बहुत दूर नीचे है, अथवा आप सूतल लोक जाएंगे तो वहां से भी बहुत दूर ऊपर है, अर्थात सूतल लोक का ईश्वर स्वर्ग से भी बढ़ करके है, यह इसका भाव है। और भगवान कहे कि तुम चिंता मत करो, जब तुम सूतल लोक में जाओगे तो तुम हमेशा मेरा दर्शन करोगे। देखिए भगवान कितना बड़ा चीज दे रहे हैं, कह रहे कि हे बलि आप सूतल लोक में जाओ और वहां तुम मेरा हमेशा दर्शन करते रहोगे, मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रभावित हूँ। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्व्यलीक फलं भुक्ष्व निरयं कतिचित् समाः। तुम्हें इस व्रत का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, अभी तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं, ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी के टीका में सब बात कही गई है, लेकिन बाद में सब बात भगवान कहेंगे। लेकिन इधर कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे कहा था कि दूंगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे बातों में आकर के ठगा गया। मैं तो समझा कि तुम बहुत बड़े दानी हो, लेकिन तुम केवल बात बनाना जानते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, मेरे दो पैर के बराबर तुम्हारा धन है, और तुम कह रहे थे कि मांग लो, कितना लोगे, क्या करोगे, मैं तुमको इतना दूंगा कि तुम्हारे सभी परिवार आदि का पालन पोषण हो जाएगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अतः तद कतिचित समा व्यलीकम फलम, अतः अब तुम कुछ वर्षों तक अपने झूठ का फल नरक भोगो। फिर क्या होगा, तो इसको बताते हुए कहते हैं कि विप्रलब्ध इति आढ्यमानिना त्वया, समृद्धशाली इंद्र आदि की अपेक्षा उत्कृष्ट ऐश्वर्य तुम मुझसे प्राप्त करोगे। वह कैसा है, बलि महाराज पूछ रहे हैं, मान लीजिए पूछे कि वह कैसा है, तब कहते हैं कि वेलिकम फलम, जहां अलीक माने मिथ्या अवगत हो जाता है, अर्थात परम सत्य जहां रहता है, जहां मिथ्या न हो, केवल परम सत्य ही सत्य हो, वो स्थान में दे रहा हूं। वैसा निरयम निलयम
सूतल के संपद को कुछ वर्षों तक भोग करो, कुछ दिन तक सूतल लोक में जाओ, और इसके बाद जानते हो तुमको क्या दूंगा बलि, कुछ दिन तक सूतल लोक में रहो, इसके बाद आठवें मनमंत्र में, आठवां मनमंत्र जो आएगा उसमें इंद्र पद पर अधिष्ठित होगे। तो इसके बाद जो अभी मनमंत्र चल रहा है, इस मनमंत्र के बाद में तुम इंद्र बनोगे, तत्पश्चात मेरे निजी धाम वैकुंठ में जाओगे, और इसके बाद में तुम फिर हमारे धाम को प्राप्त करोगे। अभी तुम सूतल लोक में जाओ। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त बलि महाराज से कह रहे हैं कि अभी तुमको मैं निलय नहीं निलय भेज रहा हूँ। निलय मतलब सूतल लोक में भेज रहा हूँ, वहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, वो भी बिल्कुल वैकुंठ जैसा ही सुंदर रहता है, वहाँ बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और तुम घबराओ मत। बलि महाराज मान लिए कहें कि मैं वहाँ कैसे रहूँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें कि भगवान करें कि मैं वहाँ तुम्हारा गेट कीपर बन करके रहूँगा, जब तुम भीतर जाओगे तो मेरा दर्शन करोगे, बाहर निकलोगे तो मेरा दर्शन करोगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के वहाँ जाओ और वहीं पर रहो। कब तक रहना है? जब आठवां मनवंतर आएगा उस मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, और इसके बाद फिर आप हमारे धाम को प्रस्थान करोगे, मेरे धाम में रहने लगोगे। तो ये देखिए, भगवान को देने से कभी घटा हुआ है? बलि महाराज दे करके इसके बाद वाले कल हम लोग कथा सुनेंगे कि विंध्यावली जी आएंगी, ब्रह्मा जी आएंगे, और यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज आकर के स्तुति करेंगे और कहेंगे क्या कि हे भगवान, आप बलि को दे करके जितना उसके कीर्ति को बढ़ाए थे उससे ज्यादा तो उसके ले करके महिमा को बढ़ा दिए, आप उसके धन को ले करके उसके जस को सब जगह फैला दिए, जितना देना अच्छा था उससे बढ़ करके आपका लेना अच्छा हो गया। तो इस सब प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, जय कृष्ण।